हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज लेकर आया हूँ इंडियन आर्मी ट्रेडमैन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। देख लीजिए, यहाँ पे आपका जीके जीएस कुल मिला के 30 क्वेश्चन मिलेगा। देख लीजिए, जीके जीएस मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे 30 क्वेश्चन मिल जाएगा। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा पेपर है ये। सभी के सभी ओरिजिनल PBRCR में पूछा गया वही प्रश्न पत्र आज लेकर आया हूँ, क्योंकि आपका PBRCR में जितने भी पेपर हुआ वही प्रश्न पत्र आपका आने वाला एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, रिपीटेड होने वाला है इसी प्रश्न पत्र, इसीलिए यही प्रश्न लेकर आया हूँ। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा पेपर है। 30 क्वेश्चन में आपका टारगेट कितना रहेगा, टारगेट रहेगा 25 क्वेश्चन। देख लीजिए, 25 क्वेश्चन तो आपका जरूर आना चाहिए इसी 30 क्वेश्चन में। देख लीजिए, जीके जीएस मिक्स क्वेश्चन मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिल जाएगा। और जो इस बंदा हमारा चैनल में नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वही मोटिवेशन काम पे लगा के आपके लिए डेली के डेली क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ गया है। देख लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज़ बिलोंग टू हुईच कंट्री। देख लीजिए, नोबेल पुरस्कार कौन से देश के द्वारा दिया जाता है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी का आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो स्वीडन देता है नोबेल पुरस्कार, स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड इन हुईच ईयर। देख लीजिए, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी का आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग का स्थापना, 30 दिसंबर में हुआ था मुस्लिम लीग का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द आइटर ऑफ मेघदूत। देख लीजिए, मेघदूत का लेखक कौन है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी का आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे चार ऑप्शन में आप सॉरी का आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो कालिदास होगा सॉरी का आंसर, कालिदास ने लिखा था मेघदूत नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया विन एट 2020 टोक्यो ओलंपिक। देख लीजिए, 2020 में कितने पदक जीता था, टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीता था भारत बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी का आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो 7 पदक जीता था भारत ने, 7 पदक जीता था, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कुल मिला के 7 पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन से सीमा रेखा है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी का आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन वन को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो रेड क्लिफ लाइन होगा सॉरी का आंसर, रेड क्लिफ लाइन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हमारा इसी प्रश्न पत्र आपका ज़रा से पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह डेली के डेली क्वेश्चन चाहिए तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, दे दीजिए। आप वीडियो देख रहे हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप तो आर्मी का तैयारी कर रहे हो, बहुत ही अच्छा बात है। आपका दिल तो बहुत ही सफेद होना चाहिए, आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिवन द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। देख लीजिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी का आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन वन को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ राजस्थान, राज्य राजधानी से एक क्वेश्चन देता है ये प्रश्न आपका क्वेश्चन में, ये प्रश्न नहीं है, सभी प्रश्न ही आपका इंडियन आर्मी में पूछा गया बहुत ही बार। देख लीजिए, ये प्रश्न आपका एक दो मंथ में जिस बंदा को एग्जाम होगा उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है इसी प्रश्न पत्र, एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिए इसी प्रश्न पत्र, एक दो बार देख लीजिए, आपका खोपड़ी में बहुत ही अच्छा तरह घुस जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा पेपर है, आप देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राजधानी का नाम क्या है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी का आंसर चुन लीजिए। राजस्थान वालों ने तो दे ही दिया होगा, इसी तरह इजी क्वेश्चन आता है आपका जीडी ट्रेडमैन क्लर्क नर्सिंग का पेपर में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन वन होगा, जयपुर होगा सॉरी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट एम्परर ऑफ द मुगल डायनेस्टी वाज। देख लीजिए, मुगल वंश का अंतिम जो
शासक थे ओ बता दीजिए, सम्राट थे, कौन थे बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो बहादुर शाह जाफर होगा सॉरी आंसर, बहादुर शाह जाफर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सी के नायडू ट्रॉफी एसोसिएटेड विच स्पोर्ट्स। देख लीजिए सी के नायडू ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन देख कर ही बता देगा, ऑप्शन टू होगा सॉरी आंसर, क्रिकेट होगा सॉरी आंसर। देख लीजिए कॉमन वर्ड है सी, यहाँ पे सी के, यहाँ पे के, दोनों ऑप्शन ही आप ऐसी तरह याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द एसेंशियल इन सॉयल फॉर प्लांट ग्रो। देख लीजिए पौधे के वृद्धि के लिए मिट्टी का आवश्यक है बता दीजिए, किसके लिए बढ़ती है, सॉरी ये तीनों ऑप्शन मान लीजिए, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा, नन ऑफ दिस। देख लीजिए इसका राइट आंसर बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। जिस बंदा तो बहुत ही अच्छा पढ़ लिया वो तो एक क्वेश्चन का आंसर दे ही दिया होगा। यहाँ पे आप ऑप्शन वन को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो नाइट्रोजन होगा सॉरी आंसर, नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। और दोस्तों कल एक क्वेश्चन दिया था जो नेशनल म्यूजियम, जो नेशनल म्यूजियम कहाँ पे लोकेटेड है, वहाँ पे एक था कोलकाता और एक था दिल्ली, यहाँ पे राइट आंसर दिल्ली होगा, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मोस्ट सूटेबल फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग। देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा बिजली के तारों से लिए सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है बता दीजिए, सबसे उपयोग कौन से तार का यूज़ किया जाता है बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन देख कर ही बता देगा, ऑप्शन रुक जाए सिर्फ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो कॉपर होगा सॉरी आंसर, कॉपर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तांबा जो होता है उसका राइट आंसर तांबा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। देख लीजिए डायलिसिस का उपयोग कौन से रोगों के दोबारा कहा जाता है बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत ही अच्छा, किडनी होगा सॉरी आंसर, किडनी इज द राइट आंसर। आप बहुत ही अच्छा तारा पढ़ लीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होता है आर्मी का सिलेक्शन का लास्ट पार्ट होता है, तभी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, क्योंकि आपका अर्निंग रनिंग जो बंदा करती है वही जानती है अर्निंग का कितना दर्द है, कितना मेहनत लगती है अर्निंग करने से। इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लास्ट में ऐसे जलम जज्बा नहीं कर लीजिए, बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप पढ़ के पास हो जाए, इसी बात बता रहा हूँ। आप पहले तो रनिंग कर रहा हो, नेक्स्ट स्टेप होता है मेडिकल का, तभी आपका एग्ज़ाम का मौका मिलता है, सभी को नहीं मौका मिलता है। आप बहुत ही जुलम जज्बा के साथ पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम में पास हो जाइए। इसी प्रश्न पत्रों को बहुत ही ज़्यादा बार देख लीजिए क्योंकि आपका लास्ट स्टेप होता है आर्मी का एग्ज़ाम, लास्ट स्टेप होता है, इसीलिए बता रहा हूँ आप बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज मैन इज। देख लीजिए आदमी के मनुष्य गुणसूत्र कितना रहता है बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन दीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत अच्छा, जो 46 होता है गुणसूत्र मनुष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। देख लीजिए कौन से राज्य सब चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक है बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत अच्छा, जो आसाम होगा सॉरी आंसर, आसाम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम टू द फोर्स। देख लीजिए केम टू इनटू फोर्स, देख लीजिए भारत का संविधान कब लागू हुआ था बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत अच्छा, जो 26 जनवरी होगा 1950 में हुआ था हमारा देश का संविधान लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है When was shark established? देख लीजिए shark का स्थापना कब हुआ था बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए।
यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो 1985 में हुआ था शहर का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंसी नेम ऑफ बांग्लादेश। देख लीजिए बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत ही अच्छा, टाका होगा सॉरी आंसर, टाका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड बाईसाइकिल। देख लीजिए बाईसाइकिल का खोज किसने किया था बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन वन होगा सॉरी आंसर, बाईसाइकिल का यही आपका ओरिजिनल पेपर में ऑप्शन दिया हुआ था, यही कार्ल वॉन डेनिस होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड। देख लीजिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन फोर को चुना तो बहुत अच्छा, जो वाशिंगटन डीसी होगा सॉरी आंसर, वाशिंगटन डीसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। देख लीजिए भारत में मुगल वंश का स्थापना किसने किया था बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत अच्छा, बाबर होगा सॉरी आंसर, 1526 में बाबर ने किया था मुगल वंश का स्थापना भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिवन द स्लोगन जय जवान जय किसान। देख लीजिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, चार ऑप्शन में आप ऑप्शन फोर को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो लाल बहादुर शास्त्री होगा सॉरी आंसर, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है उलार लेक लोकेटेड हुई स्टेट। देख लीजिए उलार लेक, जो उलार लेक उलार झील कौन से राज्य में स्थित है बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो जम्मू कश्मीर होगा सॉरी आंसर, जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियम इज यूज्ड फॉर व्हिच ट्रीटमेंट। देख लीजिए रेडियम के ऊपर कौन से रोगों के दोबारा किया जाता है बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, चार ऑप्शन में आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत अच्छा, जो कैंसर होगा सॉरी आंसर, कैंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हार्ट बीट रेट ऑफ ए यंग हेल्दी मैन। देख लीजिए सुस्त मनुष्य का जो हृदय का धड़कन होता है वो कितने बार होता है बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी का आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन वन को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो 72 टाइम होता है एक सुस्त मनुष्य का दिल का धड़कन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देख लीजिए फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट आवृत्ति का एसआई इकाई क्या है बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत अच्छा, जो हर्ज होगा सॉरी आंसर, हर्ज जिसका संकेत है एच जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेयर इज द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। देख लीजिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, चार ऑप्शन में आप ऑप्शन वन को चुना तो बहुत अच्छा, जो न्यू दिल्ली होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट पंचतंत्र बुक। लिख दीजिए पंचतंत्र किसने लिखा था बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत अच्छा, विष्णु शर्मा होगा सॉरी आंसर, विष्णु शर्मा इज द राइट आंसर। और जिस बंदा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने से हमका बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए डेली के डेली क्वेश्चन आने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली के डेली आपका पास क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाडो नेशनल पार्क लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। देख लीजिए कालाडो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है कौन से राज्य में बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन वन को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो राजस्थान होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। देख लीजिए लोकसभा का वर्तमान स्पीकर कौन है बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो ओम बिरला होगा सॉरी आंसर। तो दोस्तों इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आपका सामने आए तो एक बार जरूर गूगल कर लीजिए, क्योंकि गूगल करने से आपका सॉरी आंसर आपका सामने आ जाएगा, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन का आंसर बहुत ही
ज़्यादा आपका चेंज हो जाता है, इसलिए एक बार जरूर जरूर गूगल कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन से बीमारी जो वायरस का वायरस फैलाता है, बता दीजिए चार ऑप्शन में, आप सॉरी आंसर चुन लीजिए, वायरस के कारण होता है, बता दीजिए चार ऑप्शन में, आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन वन को चुना तो बहुत अच्छा, कॉमन कोल्ड होगा सॉरी आंसर, कॉमन कोल्ड इज द राइट आंसर। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन हो गए हैं, 30 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन आता है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।